अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आरिफ खत्री और आज मैं लाया हूँ आपके लिए आलू के समोसे की रेसिपी। तो देख लिए दोस्तों, बनाना बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी के तरीके से बता रहा हूँ और मार्केट स्टाइल में बना रहा हूँ। तो देखिए हम इसमें क्या क्या लगता है और किस तरह से बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा ले। तो चलिए, मैंने 600 ग्राम मैदा लिया है, उसमें एक चम्मच नमक डाल देता हूँ और ये मैंने आधा चम्मच अजवाइन लिया है, इसे हाथ से पीस कर डाल देता हूँ। और ये 2 से 3 चुटकी मैंने लिया है सोडा, वो डाल देता हूँ। और ये मैं अब डाल रहा हूँ 5 चम्मच इसमें घी, जी हाँ मेल्ट घी डाल रहा हूँ पिघला हुआ। और अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये मोहन के लिए हम घी डालेंगे और तेल भी डालेंगे इसमें। तो देखिए, मैं 4 से 5 चम्मच तेल भी डाल रहा हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसे देख लेंगे। देखिए इस तरह से दबा के देख लेंगे, इस तरह से अगर इसका इस तरह से पेड़ा बन जाएगा तो ठीक है। फिर उसके बाद पानी डाल डालकर इसे अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते जाए, मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मेरा डो लगभग तैयार हो गया है और हल्का सा सख्त डो है। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया, उसमें सौंफ डाल दिया आधा चम्मच और 1 चम्मच खड़ी रही डाल दी है। इसे हल्का सा छोटा कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन कुटा हुआ डाला है, आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। और ये मैंने एक मीडियम साइज के प्याज ली है, इसे बारीक कट करके इसे भी डाल देंगे। अब प्याज का कलर लाल होने तक हमें भून लेंगे। ये देखिए मेरी प्याज का कलर लाल हो गया। अब मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट के डाली है, इसे भी हम डाल देंगे। और इस पॉइंट पर हम मसाला डालेंगे। हल्दी डाल रहा हूँ मैं 2-3 चुटकी, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच मैं डाल रहा हूँ इसमें धनिया पाउडर। मेरी हरी मिर्च तेज है इसलिए मैं लाल मिर्ची कम डाल रहा हूँ। और ये मैंने इसी पॉइंट पे 1 चम्मच नमक डाला है। और अब ये देखिए मैंने उबले हुए आलू है, बॉयल आलू, इसे बारीक बारीक कट कर लिए थे। ये मैं 7 से 8 आलू ले रहा हूँ बॉयल, इन सबको डाल देंगे हम। सारे आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 चम्मच मैं डाल रहा हूँ इसमें चाट का मसाला, और 2 चम्मच मैं खटाई के लिए डाल रहा हूँ इसमें आमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर। और इसके बाद मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच इसमें शक्कर। और ये देखिए मेरे पास ये पोटैटो मेशर है, इससे मैं इस सारे आलू को मैश कर देता हूँ। देखिए इसमें मैश होने के बाद अब मैं इसमें नींबू डाल रहा हूँ, 1 नींबू का रस डाल देता हूँ। और इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने एक पेड़ा लिया है और इसको हम रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा सा हमें मोटा रखना है, एक पराठे के जैसा बेल लेना है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बेलना है, छोटा मीडियम साइज। इसके बाद इसमें से हम बीच में से कट कर देंगे 2 भाग में और इस टाइप से इसकी पट्टी बना लेंगे। अब देखिए ये पट्टी में भरता हूँ तो इस तरह से पानी लगा लें स्कोर पर, ये वाली जो साइड है इस पर चारों तरफ मैं पानी लगा लेता हूँ पूरा। और इस तरह से इसका कोन बना ले। ये देखिए इस तरह से कोन बना के कोने को दबा ले और सारे जॉइंट को अच्छे से दबा ले, अच्छे से पी कर ले। इसके बाद मैं इसमें मसाला भर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसकी जो साइड है जो चारों तरफ, इस पर पानी लगा कर हम इसे पैक कर देंगे। देखिए जिस तरह जॉइंट है उसके ठीक अपोजिट में मैं थोड़ा सा मुँह बाल रहा हूँ मार्केट स्टाइल के, जिस तरह से मार्केट में मिल रहा है इसलिए। ये देखिए मेरा समोसा रेडी है तलने के लिए। तो इसी तरह के मैं सारे समोसे को उबाल लूँगा। और मैंने इधर तेल गरम करा है, ढेर सारा तेल गरम कर लिया है और उसमें अब हमारे समोसे हम डालते जाएंगे। तो मैं 5 से 6 समोसे डाल रहा हूँ एक बार में। तेल मीडियम गरम है, ज़्यादा गरम भी ना हो ज़्यादा ठंडा भी ना हो। और थोड़ी देर बाद पलट लेता हूँ। देखिए मेरे समोसे में कलर अच्छे से आ गया। अब मैं इस पॉइंट पर निकाल लेता हूँ, अच्छे से कलर आने दे। तो देखिए दोस्तों हमारे समोसे रेडी हो गए, एकदम स्वादिष्ट और बहुत ज़बरदस्त। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। और दोस्तों हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने कुछ वीडियो में नया ट्राई किया है, आपको कैसा लगा।